कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक मिथ है जो बहुत ज्यादा ही चलता है, मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसके बारे में सारे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। और इन सब वीडियो को लाने का पर्पस बस एक ही है कि आपके मन में किसी भी चीज को लेके कोई गलत विचारधारा ना रहे, ठीक है ना। देखो, आप लोग ये सोचते हो कि सर हम लोग किसी एक फ्रेशर की बात करा जाए या फिर एक एक्सपीरियंस की बात करा जाए, मानो केवीएस के इंटरव्यू में आप बैठ गए, परमानेंट वाला जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है उसके इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो। अब आपको लग रहा है कि सर एक फ्रेशर या एक एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा एडवांटेज होगा एज कंपेरिजन टू फ्रेशर, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, और मुझे नहीं मिलेंगे। चाहे वो एक्सपीरियंस कहीं से मिला हो, चाहे वो एक्सपीरियंस उसे कहां से मिला हो, या तो केवीएस में ही कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करके मिला हो, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल पे पढ़ा के मिला हो, ठीक है। ये कॉमन विचारधारा है जो कि सबके मन में चलती है। तो मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल सिंपलिसिटी से आंसर देने की, और आपको समझ जरूर आएगा, जिसके बाद आपको जरूर पॉजिटिव फील होगा। देखो, एक्चुअल में ना जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है, वो इस तरीके से डिजाइन करा जाता है ना, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि किसी भी एक वर्ग को या किसी भी एक पक्ष को फायदा ना मिले। मान लो आप एक्सपीरियंस हो और मैं फ्रेशर हूं, मान लो आप एक्सपीरियंस हो और मैं फ्रेशर हूं, इसमें मेरी थोड़ा ना गलती है कि मैं फ्रेशर हूं, आप एक्सपीरियंस हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है कि मैं फ्रेशर हूं, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए इन्होंने इसके पेपर के पैटर्न को इस हिसाब से डिजाइन करा है कि थ्योरी के 85% मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 15% मार्क्स जुड़ेंगे, और 60 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें से 15 सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम इतने मार्क्स मिनिमम देने ही देने हैं उन्होंने, इससे कम किसी को नहीं देने। अब कमेंट में प्लीज ये मत पूछ लेना कि अब्सेंट होने में भी इतने मिलेंगे। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये रेशियो इस हिसाब से डिफाइन करा है कि इसकी डिपेंडेंसी कम होती है एज कंपेरिजन टू दिस। लेकिन अब होगा क्या, मानो आप इंटरव्यू पे गए और आप एक फ्रेशर हो और मैं एक एक्सपीरियंस्ड हूं, होगा क्या, नो डाउट नो डाउट, मेरे एक्सपीरियंस से इंटरव्यू जो ले रहे होंगे उन पे मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उस इंप्रेशन से मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा ना ही होता कि एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू और फ्रेशर को कम, मैं मान रहा हूं 1%, लेकिन आप समझ नहीं रहे। मान लो आपको 10 नंबर ज्यादा मिल गए किस वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, और इसको 10 नंबर कम मिले, मतलब 60 में से आपको मिल गए 40, इसको मिल गए 30, लेकिन जब ये 15% में कन्वर्ट होगा ना तो ये 2 या 3 नंबर का डिफरेंस होगा बस, अब 2 या 3 भी बहुत कह दिया, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए याद रखना, पहली बात तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि फ्रेशर को कम नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस को ज्यादा, बस एक्सपीरियंस का इंप्रेशन अच्छा हो सकता है क्योंकि उसे थोड़ी सी वर्किंग नॉलेज ज्यादा होगी, समझ आया। तो जो फ्रेशर है वो बिल्कुल भी ना सोचे कि हमें इंटरव्यू में कब मिलेंगे ज्यादा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि यहां 85% थ्योरी का है और इंटरव्यू में सबको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, और चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी, आपका नॉलेज चेक करा जाएगा, ना कि आपका एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये कई बार बच्चे पूछे जा रहे हैं कि सर मेरे को फ्रेशर हूं तो इंटरव्यू में कम नंबर मिलेंगे ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपके मन का भ्रम है। मैं प्रैक्टिकल फैक्ट बता देता हूं,
2019 वाले में हमारे वहां बहुत सारे टीचर आए, जैसे सात आए थे, सातों के सातों फ्रेशर थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस अब आपकी नॉलेज नहीं है वो एक अलग चीज है, नॉलेज मतलब वर्किंग नॉलेज नहीं, सब्जेक्टिव नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज और आपके टीचिंग स्टाइल की नॉलेज, ये आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो तैयारी करें, ऐसी कोई सी भी चीज ना सोचें, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। थैंक यू।